मुल्क भर में कोरोना केसेस में कमी हुई। वजीर आजम की कयादत में हमने कोरोना कंट्रोल करने के लिए बहुत कोशिशें की हैं। ईद पर इज्तिमा सैर व तफरी से गुरेज किया जाए। मावन खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा ईद और मुहर्रम के मौके पर कौम जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे। शहरियों को मास्क पहनने का भी मशवरा। पिछले यानी मिडल ऑफ जून से लेके अब तक पाकिस्तान में ये वबा का फैलाव जो है वो जवाल पजीर है और तकरीबन 80% कमी मजमूई तौर पे बीमारी के फैलाव में और उसके नतीजे में जो लोग बीमार होते हैं या उनके टेस्ट आते हैं तो उनकी पॉजिटिविटी या अमवात या वेंटिलेटर्स पे जो लोग हैं तो तकरीबन ओवरऑल 80% कमी आई। हुकूमत के और वज़ीर आज़म साहब की लीडरशिप और हुकूमत के जो बर वक्त इकदाम थे ये उसका नतीजा है। बहुत बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं पाकिस्तान को ईद और मुहर्रम की सूरत में। तो इन दोनों वजूहात की बुनियाद के ऊपर ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क में तमाम लोग मिल के हुकूमत और पूरी कौम मिल के इन आने वाले चैलेंजेस का एक जिम्मेदारी के साथ इससे निपटें। इस ईद पे हमने तमाम SOPs के ऊपर अमल करना है और उसकी बुनियादी मकसद उसका ये होना चाहिए कि हम गहमा गहमी से बचें और लोगों के जो इंटरेक्शंस हैं आपस में उसको कम से कम करें। हर एक को मास्क पहनना चाहिए जब भी वो घर से बाहर निकलें, जब भी वो किसी पुरहुजूम जगह पे जाएं तो उनको मास्क पहनना चाहिए।